नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। भारतीय पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग आए दिन अपनी बातों से चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कई खिलाड़ियों पर अपना बयान दिया है, जिसमें केएल राहुल का नाम भी शामिल है। अब उन्होंने रविंद्र जडेजा पर भी अपना बयान दिया है। सहवाग ने जडेजा के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जडेजा अभी तक अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाए हैं और उन्होंने पूरी क्षमता के साथ नहीं खेला है। बता दें कि जडेजा को पहले टेस्ट मैच में अश्विन की जगह खिलाया गया था। यूं तो एक बातचीत के दौरान सहवाग ने जडेजा की तारीफ भी की और उन्हें टीम का एक अहम खिलाड़ी भी बताया। उन्होंने जडेजा पर बात करते हुए कहा, अब रविंद्र जडेजा भारत के प्रमुख गेंदबाज और लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं। इसके अलावा बल्ले से भी वो अपना अहम योगदान देते हैं। उन्हें अपनी क्षमता के बारे में अभी तक एहसास नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। आपको बता दें, जडेजा ने पहले टेस्ट में राहुल के साथ मिलकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था और साथ ही भारत को बढ़त दिलाने में भी मदद की थी। सहवाग ने बताया कि उन्हें टीम में इसलिए लाया गया था ताकि वो टेस्ट में बल्लेबाजी कर सके और मुख्य गेंदबाजों के साथ मिलकर टीम को विकेट भी दिला सके। इस बात पर सहवाग ने पुरानी बात का खुलासा करते हुए कहा कि मुझे अभी भी याद है जब रविंद्र जडेजा पहली बार टीम में आए थे। उस वक्त मैं उप कप्तान था और हमारा माइंडसेट ये था कि हमें ऐसे गेंदबाज की ज़रूरत है जो बैटिंग कर सके और हमारे मेन बॉलर्स को ब्रेक दे सके। इसी सोच के साथ जडेजा को टीम में लाया गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जडेजा टीम के अहम खिलाड़ी बन चुके हैं और अगर उन्हें वर्तमान में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में गिना जाए तो गलत नहीं होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।